नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल लर्न टेक पॉइंट में। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किस तरह हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गुरुदेव चार्ट या मंगलदेव चार्ट से। तो उसके लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कोई सा भी अपने लैपटॉप या पीसी का कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड आपको सर्च बार में टाइप करना है गूगल इनपुट। आपको सर्च करना है गूगल इनपुट सेटअप, सॉरी गूगल इनपुट टूल सेटअप, कुछ इस तरीके टाइप कर देना है एंड आपके टॉप में कुछ इस तरीके एक वेबसाइट आएगी जो कि drive.google.com की वेबसाइट है। सिम गूगल हिंदी इनपुट सेटअप जिप करके है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड एक कुछ तरह का लॉगिन लगेगा एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा गूगल हिंदी इनपुट सेटअप जिप करके। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे डाउनलोड का आइकन दिख जाएगा, आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है एंड अभी आप देख सकते हैं आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी फाइल डाउनलोड होना शुरू भी हो गई है। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं जब तक ये डाउनलोड हो नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये डाउनलोड हो गई है एंड अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ सिंपल हम इसे क्लोज कर देंगे या मिनिमाइज कर देंगे। तो उसके लिए उसके बाद आपको अपना फाइल ओपन करना है एंड डाउनलोड पर जाना है जहाँ पर वो डाउनलोड होके आई होगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये नीचे कुछ इस तरीके का डाउनलोड होकर आ गई है। सिंपल आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा, तो इसमें आपको ऊपर वाला गूगल इनपुट टूल हिंदी के नाम से है, आपको वाली फाइल इंस्टॉल कर लेनी है। क्योंकि मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड किए हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो उसके लिए आपको अपना कोई सा भी जहाँ पर आपको टाइप करना या चैट करना है वहाँ ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैं अपना एम एस वर्ड ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो इंग्लिश में लिख जा रहा है। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम टाइप करता हूँ, पहले लर्न टेक पॉइंट। अभी मैं अपने चैनल का नाम टाइप किया हूँ जो कि पूरा इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदी नहीं हो रहा है। तो अभी मैं बताऊँगा कि हिंदी कैसे लिखेगा, वो जो मैंने डाउनलोड किया हुआ अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे नीचे जहाँ पर टाइम और डेट दिया हुआ है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको कर्सर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे ENG लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पे हिंदी गूगल इनपुट टूल करके कुछ इस तरह का लिख कर आएगा लिस्टेड करके। तो सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से एंड या फिर आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट होल्ड करके शिफ्ट को एक दो बार प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। अल्ट को आपको होल्ड रखना है एंड शिफ्ट को 1 2 3 ऐसे करके प्रेस करना है, तो इस तरह स्क्रॉल डाउन होगा। तो इस प्रकार आप हिंदी पर लाके छोड़ देंगे गूगल इनपुट टूल जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइप होगा। जैसे हम कुछ ही मान लीजिए करते हैं, जैसे कि वो घर जाता है, वह घर GHAR मैं टाइप किया, उसके बाद स्पेस बार प्रेस किया तो घर आ गया, डबल ए टाइप किया तो RAH रहा है। तो इस तरह हमारी हिंदी टाइपिंग अब हो रही है, वो भी कि ना किसी टाइपिंग के, जैसा कि इंग्लिश में लिखते हैं वैसा ही लिख रहे हैं लेकिन वो हिंदी में अपने आप लिख रहा है। तो दोस्तों, दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर करें।